हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग स्ट्रेस के डे 57 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क पे बेस्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो लोग हमारे इस चैलेंजिंग स्ट्रेस के बारे में नहीं जानते हैं, इस वीडियो को पॉज करके इसके कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है। सबसे पहला चीज़ ये है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। सारा चीज़ आप लिख तो ले रहे हो, लेकिन करना क्या है यही नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए चलते हैं हमें करना क्या है ये देखने के लिए। हमें क्वेश्चन में बोला है ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क डन बाय बी। ठीक है, बस इतना तक ये देखिएगा। ए जो है किसी काम, ए जो है काम करता है, वो कितना काम करता है, बी का 2/3 इन 3/5 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी, बी का 3/5 समय में। यानी ए जो काम करता है, यहाँ पे मैं वर्क लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइम लिख दे रहा हूँ। जो भी मैं वर्क का कार्यक्रम करूंगा वो इधर और टाइम का इधर। ए जो है वो काम करता है कितना, बी का 2/3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यानी ए बटा बी का जो वर्क डन आया वो कितना आ गया, 2/3। कितना समय में करता है, 3/5 ऑफ द टाइम टेकन बाई बी। ए जो है कितना समय लेता है, बी का 3/5। यानी ए जो समय, ए और बी का जो समय का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 3/5। ठीक है, अगला इक्वेशन क्या हमें बोल रहा है, बी कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क डन बाय सी। ठीक है, बी जो है 1/3 वर्क कंप्लीट कर पाता है सी के द्वारा, बाय सी इन 5/9 टाइम, 9 ऑफ टाइम टेकन बाय सी। बी जो है सी का 1/3 काम कर पाता है, यानी बी बटा में सी, उसी तरीके से जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/3। और टाइम अगर मैं निकालूंगा बी बटा में सी तो उसका कितना हो जाएगा, 5/9। अब सवाल ये है कि वर्क और टाइम का रेशियो हमारा दो दो लोगों का निकल गया। ठीक है, तो जब वर्क और टाइम हमें मालूम होता है, तो मैंने कई बार इस फॉर्मूले का जिक्र किया है, इफिशियंसी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, वर्क अपॉन में कितना टाइम। इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वर्क अपॉन में टाइम। तो यहाँ से भी हम वही करेंगे जो ये फॉर्मूला बोल रहा है। इस फॉर्मूले में भी हमें वर्क मालूम है ए बी का, ए बी का टाइम मालूम है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, ए और बी का इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना होगा, वर्क डिवाइडेड बाई क्या, टाइम। टाइम से जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 5/3, यानी कि 10/9 हमारा क्या आ गया, ए और बी का इफिशियंसी आ गया। ठीक है, उसी तरीके से बी और सी का जब मैं निकालूंगा तो बी और सी का वर्क हो गया 1/3, डिवाइड देना है 5/9 से, यानी गुना होकर वो कितना दे देगा, 9/5। काटने का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से बी और सी का जो निकलेगा 9/ कितना, 15। यही हमारा क्या हो गया, इसका इफिशियंसी हो गया। अब यहाँ से इफिशियंसी जब मालूम हो गया, तो इफिशियंसी का रेशियो हम यहाँ से बोल सकते हैं ए बी और सी का, ए बी सी का इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 10। बी यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, नो नीड टू इक्वेट, 10, 9 एंड 15। ये क्या निकल गया हमारा, इफिशियंसी का। इफिशियंसी जब निकल गया हमारा क्वेश्चन में, तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग टाइम भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक कॉमन चीज़ निकल गई। अब आप बोलोगे कि यहाँ से भी सर आप कुछ टाइम का रेशियो निकाल के आप इफिशियंसी निकाल सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके। तो यहाँ से हम लोग कुछ भी करके कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी वर्क का तीनों साथ में निकाल के तीनों को डिवाइड कर सकते हो, तो 3 का डिवाइड देना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो चूंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या कर, मैंने क्या किया, यहाँ से इफिशियंसी निकल गया। अब एक चीज़ समझो कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है और क्या दिए हुए हैं और डाटा, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ के क्लियर हो लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए एंड सी रिक्वायर्स 15 डेज लेस एज कम्पेयर टू बी टू फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क। ए और सी से बी जो है कितना दिन कम लगाता है, 15 दिन कम लगाता है। यानी कि बी, ए और सी मिला के जितना समय लेगा, ध्यान रखिएगा, मिला के जितना समय लेगा, बी जो है 15 दिन उससे क्या करता है, कम लेता है। ठीक है, वही बोला था, ए एंड सी रिक्वायर्स 15 डेज लेस एज कम्पेयर टू बी टू फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। अब हमसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी विल फिनिश द वर्क। बी और सी जो है इसी काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि बी और सी मिला के इस काम को कितने दिनों में करेंगे, मुझे ये निकालना है। ठीक है, ध्यान में, अब यहाँ से समझ में आ गया कि मुझे निकालना क्या है, बी और सी मिला के करेंगे। तो बी और सी जब मिला के करेंगे, तो यहाँ से ए बी सी का मुझे इफिशियंसी मालूम है।
तो जब ए बी सी का एफिशिएंसी मालूम है तो यहाँ से हम टाइम पे भी आ सकते हैं, ए बी सी का टाइम। तो हम जानते हैं एफिशिएंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। यानी कि अगर मैं टाइम का रेशियो लिखूंगा ए बी सी का, तो ए बी सी का टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/10 रेशियो 1/9 रेशियो 1/15। ये क्या चीज़ का रेशियो आ गया, टाइम का। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो यही रेशियो आपको कन्वर्ट होकर क्या मिलेगा, 9:10:6। ठीक है, समय निकल गया। मैंने मान लीजिए बोला मैंने ए 9 यूनिट लेता था, बी 10 यूनिट लेता था, सी 6 यूनिट लेता था। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ए और सी का कॉम्बाइंड निकालना है और उसमें क्या करना है, 15 घटा देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बी का। अब यहाँ से आप समय डायरेक्ट नहीं जोड़ देगा, 9, 6, 15 में से 10 चला गया यानी कि 5, 5 का संबंध 15 से, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि टाइम जब दिया रहता है तो ए और सी मिला के टाइम एंड वर्क में क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का कॉम्बाइंड निकालते हैं। तो कॉम्बाइंड कैसे निकालेंगे ए और सी का, तो सबसे पहले ए और सी का हम लोग को कॉम्बाइंड निकालना है। ए कितना दिन में कर रहा है यानी कि हम यूनिट में ही, सारा चीज़ हम लोग यूनिट में ही चल रहे हैं। ए 9 में कर रहा है और सी कितना यूनिट में कर रहा है, 6 यूनिट में कर रहा है। यानी कि दोनों मिला के कैसे कर रहा है, जस्ट टाइम एंड वर्क आप इसको 9 दिन भी मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने एज्यूम किया, यहाँ पे मेरा हमारा टोटल काम निकल गया 36, 6 से 6 बार में, 9 से 4 बार में। यानी ए और सी का जो समय लगेगा, किसका समय, ए और सी का मिला के जो समय लगेगा वो कितना, वर्क और बटा में टोटल इफिशियंसी, 6×4 कितना, 10। ठीक है, ये ए और सी का निकल गया। बी का समय तो हमें मालूम है, बी अकेला कितना दिन में कर रहा है, 10 यूनिट्स में। तो इन्हीं दोनों का अंतर किसके बराबर है, 15 के बराबर है। यानी कि बी जो है वो कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का जब मैं अंतर निकालूंगा, 10 - 36/10, ये मुझे कितना दे देगा, 64, और बटा में कितना हमारा, 10। 64 बटा में कितना हमारा 10। तो ये जो 64/10 आया, ये क्या आया, ए प्लस सी और बी का डिफरेंस आया। तो ए प्लस सी कॉम्बाइन 36/10 डेज में, और बी 10 डेज में, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 64/10। और इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना दिन के बराबर है, 15 दिन के बराबर है। कितना दिन के बराबर है, 15 दिन के बराबर। तो यहाँ से हम एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, 15/64 और गुना में कितना, 10। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या, निकालने के लिए क्या बोला था, बी और सी इसी काम को मिल के कितना दिन में करेंगे। तो बी और सी इसी काम को मिलकर कितना दिन में करेंगे, देखिए तो यहाँ पे यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग एज्यूम करते हैं, बी 10 लेता था, सी 6 लेता था। यानी कि बी जो लेगा वो 10 लेगा, सी जो लेगा वो कितना समय लेगा, 6। यानी कि टोटल काम हमारा हो गया 30, 10 से यहाँ 3 बार में इफिशियंसी, 6 से यहाँ 5। यानी कि जो समय होगा बी और सी का, किसका समय, बी और सी का जो समय होगा वो कितना हो जाएगा, 30 और बटा में कितना, 5/3/8। यहाँ से मैं चाहूँ तो काट भी सकता हूँ, आगे चल के देखते हैं। बी और सी का समय कितना हो गया, 30/8। ये 30/8 क्या चीज़ में आया, ये भी हमारा यूनिट में ही आया, किस में आया है, यूनिट में आया है। तो एक यूनिट का मान तो हमें मालूम था, एक यूनिट का वैल्यू इतना दिन होता है, तो कॉम्बाइंड भी हमारा निकल गया 30/8। यानी कि 30/8 यूनिट की जो वैल्यू होगी, 30/8 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 15/64 × 10। ठीक है, इतना तो हमारा एक यूनिट का था। अब 30/8 यूनिट निकालना है, तो यहाँ पे मैं 30 और बटा में 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब इसे मैं काटू छाटूंगा तो काटने छाटने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1125 और बटा में कितना, 128 डेज। और उसी के साथ हमारा जो आंसर है इस सवाल का वो है 1125/128 डेज। आप आसानी से इसे काट भी सकते हो, 2 से यहाँ पे 5 बार में, 2 से यहाँ 4 बार में, फिर 2 से इसे 2 बार में, 2 से यहाँ 15 बार में। 15 × 15 2285 होता है, 225 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1125 देगा, 64 × 2 तो सिंपल है वहाँ पे 128। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो 120। इस क्वेश्चन को आप लिटरली बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। जो बिल्कुल सरल था, जो बिल्कुल आपका बिना दिमाग लगाए बनने वाला था, वो यही था। और इस क्वेश्चन में लोग गलती कहाँ पे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही हमारा टाइम का रेशियो निकला 9, 10 और 6, तो आप लोग क्या करते, बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, लिटरली वहाँ पे लोगों को दिमाग यही स्ट्राइक करता है कि 9 और 6 सीधा सीधी हमारा 15 हो गया, 15 में से 10 चला गया, यानी कि ए प्लस सी और बी का डिफरेंस यानी कि 5, 5 का संबंध किससे, 15, और 5 से लिटरली 15 कट गया। लोग सोचते हैं हम सही बना रहे हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम में यही आएंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप से आ सकते हैं कि आपको इस यहाँ पे रिलेट करना है। लेकिन टाइम एंड वर्क में हम जानते हैं कि जब कोई दो बंदे साथ होते हैं तो उनका कॉम्बाइंड जो है हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, उनका कॉम्बाइंड समय जो है हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। तो जब भी दो बंदे टाइम एंड वर्क में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं और कॉम्बाइंड वर्क कर रहे हैं,
तो उनका समय हमेशा ध्यान रखिएगा, उन दोनों को इसी तरीके से निकाल के हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1125 अपॉन में 120। होप आप लोगों को क्लियर हुआ। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, आउट ऑफ 10 आप लोग इसे कितना रेट करेंगे।